हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंशु। आज हम बात करेंगे मेजर कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में। देयर आर 8 मेजर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन मॉडल्स provide a framework for understanding how information is exchanged between individuals or groups. These models illustrate the key elements and processes involved in effective communication. How can we proceed with effective communication? ये बात हम तय कर सकते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में जानकर कि संचार मॉडल कार्य संचार में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर दिन हम एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। यह समझने के लिए कि हम कैसे संवाद करते हैं और संचार सिद्धांतकारों ने ऐसे मॉडल विकसित किए जो हमें यह बताते हैं कि संचार किस प्रकार से होता है और हम किस प्रकार से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और आज की इस चर्चा में हम आपको संचार के उन मॉडलों से परिचित कराएंगे और यह भी बताएंगे कि संचार के ये मॉडल कार्यस्थल पर किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। संचार के प्रमुख मॉडलों पर गहराई से हम विचार करेंगे। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। Models of communication are simplified representation of the process of communication. Most models try to describe both verbal and non-verbal communication and often understand it as an exchange of message. मुख्यतः यदि हम जाने तो model of communication इसकी बात करते हैं कि हम संदेशों के आदान प्रदान को किस प्रकार से समझ पाते हैं, या संचार के जो मॉडल हैं वो संचार की प्रक्रिया का एक तरह से सरलीकृत रूप है। अधिकांश मॉडल मौखिक और गैर मौखिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। व्हाट आर कम्युनिकेशन मॉडल्स? अकॉर्डिंग टू डेनिस मैकवेल्स बुक मास कम्युनिकेशन थ्योरी, we can say a model is a selective representation in verbal or diagrammatic form of some aspects of dynamic process of mass communication. यानी एक मॉडल जन संचार की गतिशील प्रक्रिया के कुछ पहलू का मौखिक या अरेखीय यानी वर्बल और even we can say it may be a representation of any diagrammatic form के रूप में एक चयनात्मक प्रतिनिधित्व करता है या है। एक ऐसा डायनेमिक प्रोसेस है जो मास कम्युनिकेशन करता है या तो मौखिक तरीके से या आरेखीय तरीके से। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन refers to the way in which a message, the content of information being sent or we can say is transmitted from a sender to a receiver. यह एक इस प्रकार का मॉडल है, रेखीय मॉडल है, जिसमें एक संदेश भेजी जा रही जानकारी की सामग्री प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक प्रसारित की जाती है यानी सेंडर से रिसीवर तक एक मैसेज को भेजा जाता है। It is the type of communication that only occurs one way and does not provide a means to respond to the message. यह एक प्रकार का कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें केवल एक ही तरीके से संदेश भेजा जाता है। संदेश का जवाब देने का कोई साधन इसमें हमें नहीं मिल पाता है और यानी कोई भी ऐसा मीन्स नहीं है जिससे कि हम रेस्पॉन्स उस मैसेज का प्राप्त कर पाए। हम देखेंगे इसमें एक सेंडर होता है, द सोर्स और ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। उसके बाद एक मैसेज होता है जो सेंडर के द्वारा भेजा जाता है, द इंफॉर्मेशन, or content that is being transmitted. And we definitely need a channel for that. और उसके लिए एक ऐसा medium होता है जिसको use किया जाता है to convey the message. और अंत में वह मैसेज किसे कन्वे किया जाता है? रिसीवर को, जो उस मैसेज को रिसीव करता है. द इंडिविजुअल और ग्रुप दैट रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज. एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है जिसे वो मैसेज दिया जाता है, या एक ग्रुप भी हो सकता है जिसे वो मैसेज दिया जाता है. और यदि हम लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल्स की बात करें तो इसमें चार प्रकार के मुख्यतः मॉडल्स हैं. एरिस्टोटल्स मॉडल, लॉसवेल्स मॉडल, शैनन वीवर्स मॉडल, बर्लोस SMCR मॉडल. Aristotle model, one of the earliest models, it focuses on the speaker, the message and the audience. Aristotle's model, जिसको हम डिटेल में अपने अपकमिंग वीडियो में जानेंगे. One of the earliest models, it focuses on the speaker, message and audience. ये तीन चीजों पर फोकस करता है, स्पीकर पे, मैसेज पे और ऑडियंस पे. दूसरे नंबर पे आता है लॉसवेल्स मॉडल. इट एम्फेसाइजेस द हु, व्हाट, चैनल टू हुम एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये जोर देता है. और हु, व्हाट, उसके बाद चैनल जिसकी अभी हमने पिछले स्लाइड में चर्चा की है, और टू हुम यानी रिसीवर, इसके बारे में बात करता है. शैनन वीवर्स मॉडल डिपिक्ट communication as a linear process with a sender, channel and a receiver. So Aristotle की तरह ही इसमें भी एक sender है यानी एक speaker है, एक channel है, और जिसमें किसी message को deliver किया जाता है जिसके through वो verbal भी हो सकता है, वो कुछ अन्य प्रकार का channel भी हो सकता है, और एक receiver होगा जो कि audience जिसे हम कह सकते हैं, या to whom the message is delivered. Number 4 है Berlo's SMCR model builds on Shannon Weaver, adding the source, message, channel and receiver. ये third type of model Shannon Weaver model पर ही आधारित है, और इसके अंदर एक चीज और add की गई है, source, message, channel and receiver. सोर्स जहां से कम्युनिकेशन आ रहा है उसे हम सेंटर भी कह सकते हैं, हम स्पीकर भी कह सकते हैं, या वो सोर्स जहां से मैसेज डिलीवर किया जा रहा है. उसके बाद एक मैसेज का भी होना बहुत जरूरी है, और वो मैसेज किस चैनल के थ्रू जाएगा वो भी होना बहुत आवश्यक है. और उसके बाद आता है रिसीवर. इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का इंटरैक्टिव या इंटरैक्शन मॉडल संचार को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है जिसमें प्रतिभागी प्रेषक रिसीवर के रूप में वैकल्पिक स्थान रखते हैं. यानी जो ये इंटरैक्टिव और इंटरैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके अंदर कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच पार्टिसिपेंट्स alternate position as sender or receiver and generate meaning by sending a message and receiving feedback within physical एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. यानी संदेश भेजकर और भौतिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भों में प्रतिक्रिया प्राप्त करके अर्थ उत्पन्न करते हैं. यानी भेजा भी जाता है और उसका फीडबैक भी वापस से रिसीव किया जाता है. ये एक सर्कुलर प्रोसेस भी हम इसे कह सकते हैं. जो सेंडर है वो रिसीवर बन सकता है, और जो रिसीवर है वो वापस से अपना जब फीडबैक देगा तो वापस से वो सेंडर ऑफ मैसेज बन जाएगा. So rather than illustrating communication as a linear one-way process, the interactive model incorporates feedback, which makes communication a more interactive two-way process. यानी जो पिछला हमने नंबर 1 पे जो मॉडल पढ़ा था उसमें linear process communication को बताया गया है. यानी एक व्यक्ति मैसेज भेजेगा, सेंडर होगा और दूसरा उसे रिसीव करेगा, लेकिन जो रिसीव करने वाला है वो उसको वापस से कोई फीडबैक नहीं देगा, वो कोई भी प्रतिक्रिया उस मैसेज पर नहीं करेगा. लेकिन जो ये दूसरे प्रकार का मॉडल है जिसे हम इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, यह एक लीनियर मॉडल नहीं है. द इंटरैक्टिव मॉडल इनकॉर्पोरेट्स फीडबैक एज वेल. इसके अंदर हमको फीडबैक भी मिलेगा, विच मेक्स कम्युनिकेशन मोर इंटरैक्टिव एंड टू वे प्रोसेस, जिसकी वजह से हम ये देख पाएंगे कि यह मॉडल इंटरैक्टिव मॉडल है और टू वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है जिसमें सिर्फ सेंडर ही मैसेज दे और रिसीवर कुछ ना बोले। लेकिन यह टू वे प्रोसेस है, सेंडर मैसेज देगा और रिसीवर रिसीव करने के बाद उस पर फीडबैक भी देगा। फीडबैक इंक्लूड्स मैसेज सेंट इन रेस्पॉन्स टू अदर मैसेज। फीडबैक का मतलब क्या है? जो मैसेज हमें मिला, हमें उस मैसेज के रिस्पॉन्स में जो मैसेज हम देते हैं, चाहे वो हमें अच्छा लगा चाहे वो हमें उसमें कोई कमी दिखाई दी, हमने जो मैसेज वापस से एक मैसेज के रिस्पॉन्स में दिया वो फीडबैक कहलाता है। द इंक्लूजन ऑफ फीडबैक लूप also leads to a more complex understanding of the role of participants in a communication encounter. Rather than having one sender, one message, one receiver, this model has two sender receivers who exchange messages. यानी feedback loop को शामिल करने से जो संचार में हमें देखने को मिलता है, उसमें प्रतिभागियों की भूमिका की अधिक जटिल समझ भी यहाँ पर हमको दिखाई देती है। कैसे? एक प्रेषक यानी एक सेंडर, एक संदेश यानी एक मैसेज और एक प्राप्तकर्ता यानी एक रिसीवर के बजाय इसमें क्या होगा? इस मॉडल में दो प्रेषक यानी दो सेंडर्स, प्राप्तकर्ता होते हैं जो संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक व्यक्ति ही मैसेज देगा और वही सेंडर और स्पीकर कहलाएगा, बल्कि जो मैसेज रिसीव करेगा वो वापस से उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कोई फीडबैक देगा, तब वो वापस से स्पीकर बन जाएगा मैसेज का। यानी हम देखेंगे कि फीडबैक क्या कहलाता है? द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर दैट इज सेंड बैक टू द सेंडर। जैसे कि कोई मैसेज आपको मिला और आपने उस मैसेज का वापस से उत्तर या प्रतिक्रिया दी, वो फीडबैक कहलाएगा। और मैसेज क्या है? एक सर्कुलर प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज अ बैक एंड फोर्थ प्रोसेस वेयर बोथ पार्टीज टेक टर्न्स एज सेंडर एंड रिसीवर। ये एक इस प्रकार का प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टीज सेंडर भी बन जाती हैं, रिसीवर भी बन जाती हैं। जब एक बोलता है तो दूसरा रिसीवर बन जाता है, और जब वापस से रिसीवर बोलता है तो सेंडर रिसीवर बन जाता है। और इस प्रकार से जो मैसेज या जो कम्युनिकेशन होता है वो एक डायनेमिक इंटरेक्शन के तहत आता है। द मॉडल एम्फेसाइजेस The dynamic and continuous nature of communication. यह मॉडल ये बताता है कि कम्युनिकेशन कोई वन वे प्रोसेस नहीं है, यह एक प्रकार का डायनेमिक प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूस रहता है। यानी एक मैसेज भेजेगा, दूसरा रिसीव करके वापस से उसे उत्तर देगा, और जब वो उत्तर पाएगा तो पहला भी वापस से कोई मैसेज भेज सकता है। तो एक प्रकार से कम्युनिकेशन कोई वन वे प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक सर्कुलर प्रोसेस है जिसमें फीडबैक, सेंडर, रिसीवर, मैसेज और चैनल, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। और यह एक प्रकार का डायनेमिक प्रोसेस है और हमेशा कंटिन्यू रहता है। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल्स। फर्स्ट, ऑस्गुड स्कैम मॉडल्स illustrates a circular two-way communication process where the role of sender and receiver are interchangeable. इस मॉडल के अंतर्गत एक कम्युनिकेशन को सर्कुलर प्रोसेस बताया गया है जिसमें जो सेंडर है और रिसीवर है उनका रोल इंटरचेंजेबल है। जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है, और जब मैसेज रिसीव कर लेता है तो वापस से जब वो उत्तर देता है तो जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है। वेस्ले एंड मैकलेन मॉडल एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ गेटकीपर हु सेलेक्ट्स एंड फिल्टर्स इंफॉर्मेशन बिफोर इट रीचेस टू द रिसीवर। लेकिन इस मॉडल के अंदर द रोल ऑफ गेटकीपर, जैसे वो चेक करके अलाउ करता है किसी को अंदर जाने के लिए, उसी प्रकार से फिल्टर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचने से पहले डिसाइडेड होती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस प्रकार से एनकोड होकर के उस पर जाएगी। यानी जो स्पीकर है वो पहले से निश्चित करता है कि वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद आता है ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्रकार के मॉडल में संचार का लेन देन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में होता है जिसमें संचारक सामाजिक, संबंधपरक, सांस्कृतिक संदर्भों के भीतर सामाजिक वास्तविकताओं को उत्पन्न करता है। यानी इस मॉडल के अंतर्गत जो कम्युनिकेशन is a process in which communication generate social realities within social, relational and cultural context, यानी जो सामाजिक, संस्कृति और वहाँ की जो वास्तविकता है उनसे रिलेटेड जो भी वो स्पीकर बोलता है वो उस कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग आता है। इन दिस मॉडल nurses don't just communicate to exchange a message, they communicate to create relationships, form intercultural alliances, shape self-concept, engage with others in dialogue to create communities. Nurses केवल संदेशों के आदान प्रदान के लिए संवाद नहीं करती, बल्कि वो किसी न किसी मैसेज को कन्वे करती है। इन संवाद में जैसे कि कोई एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना, अंतर सांस्कृतिक गठबंधन को बनाना, आत्म अवधारणा को आकार देना, समुदाय बनाने के लिए बातचीत में दूसरों के साथ शामिल होना, ये सारा शामिल है। यानी हम बातचीत किस लिए करते हैं? शेप सेल्फ कॉन्सेप्ट, एंगेज विद अदर्स, दूसरों के साथ हम अपना जो भी रिलेशनशिप है वो बिल्ड करते हैं, इन डायलॉग टू क्रिएट कम्युनिटीज। तो अगर हम इसे देखें तो नंबर 1 पे आता है साइमल्टेनियस। In both the sender and the receiver are actively engaged in the communication process at the same time. इसमें सिर्फ जो sender message ही नहीं भेजता है, one way process नहीं है, और ना ही ये two way process है। यानी sender जब message भेजेगा तो receiver वापस से उसको answer करेगा और फिर वापस से sender उसे कुछ ना कुछ communicate करेगा। Shared meaning इसके अंतर्गत आते हैं। The goal is to create a shared understanding of the message between the communicating parties. जो भी बातचीत करने वाले लोग हैं उनके अंतर्गत इस प्रकार का संवाद होता है, इस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, जिससे कि उनको वो कही गई बात समझ में आ जाती है या मैसेज उनको तक कन्वे हो जाता है। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है the environment, culture and relationships इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी एक संदर्भ होना बहुत आवश्यक है, वो किस वातावरण में, किस जगह पर, कहाँ पर, किस कल्चर में, किस रिलेशनशिप के साथ बातचीत हो रही है, घर में हो रही है, ऑफिस में हो रही है, हॉस्पिटल में हो रही है, होटल में हो रही है, उस पर भी निर्भर करता है। दिस इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो भी जिस संदर्भ में, जिस कल्चर में, जिस एनवायरमेंट में और जिस रिलेशनशिप के साथ वो बातचीत हो रही है उससे भी कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्ट होता है। ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल्स। बर्नॉल्ड्स मॉडल डिपिक्ट्स द कम्युनिकेशन एज ए कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वेयर द मैसेज इवॉल्व्स ओवर टाइम। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक लगातार होने वाला और कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया है, वेयर द मैसेज इवॉल्व्स ओवर द टाइम। यानी जो मैसेज है काफी लंबे समय तक आदान प्रदान उसका हो सकता। और डेंसेस हेलिकल मॉडल के अंतर्गत रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन एज अ स्पाइरल वेयर मैसेज बिल्ड अपॉन ईच अदर ड्यूरिंग द इंटरैक्शन। इसके अंदर जो मैसेज है वो एक स्पाइरल या एक सर्कल की तरह होता है और एक दूसरे के साथ में इंटरैक्शन उस दौरान होता है। तो आज की हमने क्लास के अंदर 3 तरह के कम्युनिकेशन मॉडल्स की चर्चा की है। अगली क्लास में हम एरिस्टोटल्स कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज लाइक दिस सेशन एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। Which model of communication or which topic you want to be discussed in the upcoming video? Thank you very much for your patience hearing, and if you are new on this channel then please subscribe the channel. Thank you.